भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है, तू क्या लेकर आया था, तू क्या लेकर जाएगा। तो महाराज इस पर तो शास्त्रों में 6 अध्याय हैं। 6 गुरु, और आपके कहने का तात्पर्य यह है कि आय का 6ठा भाग कर के स्वरूप राज्य को मिलना चाहिए। हाँ यही महाराज, आपने सत्य कहा, हम भी यही कहने वाले थे। परंतु गुरुवर, हम प्रजा से आय का 6ठा भाग तो पहले से लेते आ रहे हैं, और आपका परामर्श है कि हमें कर बढ़ाना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो प्रजा के साथ अन्याय होगा। हम नहीं चाहते हैं कि प्रजा कर को एक बोझ की भांति देखे। अभी तो हम चाहते हैं कि प्रजा ये समझे कि कर राज्य के प्रति उनका योगदान है। अतः हमारा विचार है कि हमें कर नहीं बढ़ाना चाहिए। महाराज, अभी अभी हमें हमें हमारी ब्रह्म दृष्टि से ज्ञात हुआ कि हमें हमें कर नहीं बढ़ाना चाहिए। गुरुवर, आपको जो कहना है क्या वो हम कह दें? हाँ ठीक है, चलिए हम आपको ये अवसर प्रदान करते हैं। महाराज, किसी भी राज्य को विकास करने के लिए धन की आवश्यकता अवश्य होती है, इसीलिए हमारे विचार से प्रजा पर कर बढ़ाने के स्थान पर हमें व्यापार बढ़ाना चाहिए। बाहर के लोगों को यहाँ पर आकर व्यापार करने का अवसर एवं अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए। महाराज, हर व्यापारी के व्यापार करने हेतु हमें संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जैसे कि रास्ते अच्छे बनने चाहिए ताकि आने जाने में सरलता रहे और व्यापार करने में आसानी। उत्तम विचार है महामंत्री जी, उत्तम विचार। यही विचारधारा है जो हमारे राज्य को विकास और उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। महामंत्री जी, आप पूरी योजना बनाइए, समस्त संभावनाओं और परिणामों की एक सूची बनाइए और उसके पश्चात हमारे समक्ष। पंडित रामकृष्ण, गुरुजी, यदि आप अपने मुख से बुद्धिमता की बातें करोगे ना तो ऐसे ही होगा, लोग लोरी समझकर सो जाएंगे। बहनों, पति वो है जो हमारे ऐशो आराम के रथ को घोड़ा बनकर खींचता है। यदि रथ को दौड़ाना है तो उसकी लगाम को कभी ढीली मत छोड़ो, और अगर लगाम कभी ढीली हो भी गई तो ब्रह्मास्त्र है ना, अर्थात हमारे आंसू, आंसुओं को हथियार बना लो। और अगर ऐसा करोगी तो पतिदेव सदैव सुखदेव बने रहेंगे। अरे सुनते हो? प्रणाम देवियो। प्रणाम। प्रणाम। आपने सारे काम कर लिए है ना? जी वरलक्ष्मी जी, आपका पानी भी गर्म कर दिया और जैसा आपने बोला था कपड़े धोने के लिए मैंने कपड़े भी धो दिए। वो नहीं, हम आज के आयोजन की बात कर रहे हैं। उपमा बना लिया? अरे हाँ हाँ, उपमा भी बना दिया, और जैसे आपने कहा था ना काजू और किशमिश गिन के उतने डाले हैं, पूरे 52। अच्छा, लड्डू बना लिए हमने? अरे लड्डू भी तैयार है, और कुछ लड्डू मैंने छुपा कर कोने में भी रख दिए हैं। आपने कहा था ना वो शारदा अम्मा जी के लिए चुरा कर ले जाती है। तू चोर है? नहीं नहीं, छुपा कर नहीं, बचा कर रखने के लिए कहा था, अम्मा के लिए। हाँ वही वही जो आपने कहा था, ऐसा ही तो किया मैंने। जाके रसोई घर में देख लीजिए, कोई काम तो बाकी नहीं रह गया ना? ठीक है। बापू को बोलना पड़ेगा कि मेरी अम्मा शारदा को इधर मत भेजा करो, मैं नहीं चाहता कि इस वरलक्ष्मी के पति के संस्कार हमारे घर पर पड़े। अरे वाह वरलक्ष्मी, तुम्हारा पति तो बड़ा घरेलू है। हाँ, उन्होंने मुझे गर्भ के समय भी कुछ काम नहीं करने दिया था। शारदा, पंडित रामकृष्ण भी तुम्हारी सहायता करते है ना? कहाँ, उन्हें कहने का तो कोई लाभ ही नहीं है। क्या हमारा अर्थ है कि उनको मना करने का कोई लाभ नहीं है, क्या ना कि वो स्वयं ही सारे काम कर देते हैं, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। शारदा इतना मत सोचो, तुम्हारा पति महाराज का विशेष सलाहकार है, वरलक्ष्मी के पति जैसा पत्नी का सेवक थोड़ी है। हाय बापू, कहाँ हो, यहाँ कर इतना परेशान हो गया हूँ, मुझे ले जाओ यहाँ से। महाराज, जिस दरबार को मंदिर की भांति पवित्र मानकर आप दिन रात प्रजा की भलाई के लिए विचार करते हैं,
हमसे भी मार्गदर्शन लेते हैं। उसी भरे दरबार में आपकी उपस्थिति में दरबार की मान मर्यादा का अपमान कर ये दरबार में सो रहे हैं, खर्राटे भर रहे हैं। क्षमा कीजिए महाराज, इस प्रकार के सलाहकारों के साथ आप राज्य की प्रजा की भलाई कैसे कर सकते हैं? पंडित रामाकृष्णा उठिए। शारदा, शारदा देख तेरा पुत्र जाग गया, अवश्य उसने फिर से शौच किया होगा। अरे तुझे बुला रहा है रो रो कर, पता नहीं क्यों गुरुवर की आवाज में रो रहा है। ये देखिए महाराज, नींद में ऐसी उल्टी सीधी बातें तो वही करता है जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया होता है। क्षमा महाराज, वो क्या है कि मैं बहुत थका हुआ था इसलिए थोड़ी नींद आ गई। आ नहीं गई है पंडित रामाकृष्णा, तुमने आमंत्रित की है, आ जाओ, नींद आ जाओ। दरबार की गरिमा का मान नहीं है तुम्हें, राजकीय कार्य में रुचि नहीं है, बस आसन पर बैठे बैठे आलस्य घेर लेता है और फिर तुम आमंत्रित नींद के स्वागत में आंखें बंद कर लेते। क्षमा करें गुरुवर, जो हुआ उसके लिए लज्जित हूँ, किंतु भूख और नींद पर किसका नियंत्रण रहता है। बस पंडित रामकृष्णा, गुरुवर का कथन सत्य है, ये राज दरबार हमारे लिए एक मंदिर से कम नहीं है और आप जो यहां पर कर रहे हैं वो यहां के नियमों का उल्लंघन है। जी महाराज, यदि आज के पश्चात आप इस राज दरबार में विलंब से आए या यहां पर सोते हुए पाए गए तो हम कुछ नहीं सुनेंगे। कोई बहाना, कोई कारण नहीं चलेगा, हम विवश हो जाएंगे पंडित रामकृष्णा आपको दंड देने के लिए। स्मरण रहे, हे मां, घर पे भास्कर सोने नहीं देता, यहां गुरुवर शांति से रहने नहीं देते, क्या होगा मेरा? रोती है इतना मधुर, होगी कितनी सुंदर। लगता है मेरी पुत्री जग गई है। सुनिए, चाहिए उसे लेके आइए। जी अभी लाता हूँ, आप सब खाइए, मैं लेके आता हूँ। देखा, मेरी सारी बातें मानते हैं। मेरे हृदय की गति क्यों तीव्र होकर मचलने लगी है, ये सब अकस्मात ही क्या हो रहा है? इसे भास्कर के बगल में लिटा दीजिए। हाँ बिल्कुल। वाह कितनी सुंदर है, जन्म से पूर्व देखा था इंद्रलोक में परियां होती हैं। और तुम्हें देखकर पता चला नन्ही परियां होती हैं मनुष्य लोक में। सुन, मैं हूँ भास्कर, मेरे विषय में तो सुना ही होगा, मुंह फेर लिया या मुझे देखकर शर्मा गई हो या फिर नखरे दिखा रही हो। देखो, मैं तुम्हारे नखरे के लिए तुम्हें क्षमा कर दूंगा, बस तुम अपना नाम बता दो। मैं एरो गैरो का ना नाम पूछती हूँ और ना अपना नाम बताती हूँ। ये वो लड़कियों के नाटक होते हैं ना, हमें ना वाले, मुझे भली भांति पता है। अच्छा सुनना, मैं यहाँ तुम्हारे आने से पहले बड़ी घुटन सी अनुभव कर रहा था, पर तुमने यहाँ और रुकने का कारण दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे गले मत पड़ो, अपने घर का रास्ता नापो। और तुमने मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देखा है, ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं ऊपर से नीचे तक संस्कारी हूँ। अरे पगली, बहस में क्यों समय खराब कर रही है? मेरा मित्रता का हाथ पकड़ ले और सोच, लोगों ने आज तक सुना है लंगोटियाँ मित्र होते हैं। हम दोनों लंगोटधारी शुरुआत करके लोगों को बताएंगे लंगोटियाँ प्रेमी भी होते हैं। जिस लंगोट की दुहाई दे रहा है देख, वो गीली हो चुकी है। क्या तुम मेरी लंगोट?
की चिंता मत करो, ये तो गीला सूखा होता रहता है। बस तुम हमारी मित्रता पर ध्यान लगाओ। 100 बात की एक बात है, तुम पसंद आ गई हो। अरे नन्ही परी, रोंदू परी मत बनो, मित्रता के लिए कहा है, विवाह के लिए नहीं। इतना मत रो, तुम्हारी विदाई को अभी बहुत समय है, उस समय जितना चाहे गला फाड़ लेना। अरे ओहो, ये भी आ गए। अरे आप लोग तो अपने पति की बुराई करते हुए जीभ लड़ाते हुए कितने अच्छे लग रहे थे, हमारे बीच क्यों टांग अड़ाने आ गए? ये तो प्यार करने वाले हृदयों के बीच सदैव ही ये पापी संसार क्यों आ जाता है? शारदा, ये कब सोएगा? जब इसे नींद आएगी। ये तो तुम कब से कह रही हो, ये सुनते सुनते अब मुझे भी नींद आने लगी। लगता है इसे सुलाने के लिए तुम्हें अपनी लोरी को जगाना पड़ेगा, अर्थात सुनाना पड़ेगा। देखिए, मैंने कभी किसी को लोरी वोरी नहीं सुनाई है। अरे आज तक कभी तुम पहले माँ भी तो नहीं बनी हो, चलो प्रयास करो। चंदा मामा घूर के पोहे पकाए दूर से। पोहे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ और पकाओ ना। और इतनी दूर से कभी कुछ नहीं पक सकता है, बच्चा हो इसलिए क्या मुझ समझ के रखा है? आपने तो कहा था कि ये सो जाएगा, पर ये तो अभी भी जाग रहा है। जिस दिन इसे तुम्हारी लोरी समझ में आएगी ना, उस दिन अवश्य ये चैन की नींद सोएगा। ठीक है, फिर काम कीजिए कि आप इसे कोई ऐसी लोरी सुनाइए जो इसे समझ भी आ जाए और इसे नींद भी आ जाए। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, भास्कर करे तमाशा। हे भगवान, कोई इन्हें बताए, मुझे तो स्वयं नींद आ रही है, परंतु इनकी बेसुरी लोरी ने तो उड़ा दी है। हैं? सो जा। भास्कर करे तमाशा, ये मुझे सुला रहे हैं या उकसा रहे हैं? पर ये तो अभी भी आके फाड़ फाड़ कर देख रहा है। सो जा मेरे राजा, सो जा मेरे राजकुमार, कल करेंगे ढेर सारा प्यार, सो जा मेरे राजकुमार। वाह, मेरी लोरी का तीर तो गलत निशाने पर लग गया, ये शारदा महोदया सो गई। ये मेरी नींद है जिसमें आप दोनों खराटे मार रहे हो। इन्हें भी धीरे धीरे पता चल रहा है कि बच्चे पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अम्मा आप शीघ्र आ जाओ, क्योंकि मेरी नाव उन दो खेवैयों के हाथ है जिन्हें नाव चलाना नहीं आता और मुझे भी तैरना नहीं आता। वाह, मैंने आँखें खोली, नींद छोड़ी, बिस्तर छोड़ा, दरबार जाने के लिए तैयार हूँ, पूरी तरह से तैयार हूँ। किंतु शारदा ने भोजन पात्र देर से देने की अपनी आदत नहीं छोड़ी। शारदा, ओ शारदा, अरे भोजन पात्र दो तो मैं निकलूं। ओ शारदा महोदया, भोजन पात्र और पुत्र में बहुत अंतर होता है। उठा लो। अरे भोजन पात्र दोगी तो उठाऊंगा ना। अपनी आंखें उठा लो और उस योजना पत्र पे केंद्रित करो। कुछ समझ में आया? उसके अनुसार आज भास्कर को संभालने की जिम्मेदारी उसके पिता की है। उसके पिता को आज दरबार जाना है। इसमें आपके दरबार जाने के बारे में कुछ नहीं लिखा। देखो शारदा, समझो। मैं समझ लिया हमने। देखिए, हमने बड़ी ही कठिनाई से इसके अनुसार अपने आप को ढाला है, अब हम और कुछ नहीं समझ सकते। क्यों भास्कर? ठीक है, तुम इसके अनुसार ही चलना, किंतु मेरे दरबार से लौटने के बाद तब तक मैं इस तालिका के मुंह पर वस्त्र डाल देता हूँ। और आज दरबार का अति आवश्यक कार्य कर जब लौटूंगा, तब तुम्हारे लिए नई साड़ी और खाने के लिए फल भी ले आऊंगा। तब तक तुम भास्कर के साथ इतना खेलना कि मेरे आते आते थक कर सो जाना, फिर मैं भी कई दिनों के पश्चात चैन की नींद सोऊंगा। ठीक है? देखिए, हम आपके किसी भी खेल में आने वाले नहीं है। अर्थात आज बारी मेरी ही है।
यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि आज आपकी पारी है। ठीक है, एक कार्य कर सकती हो? एक क्या, इस घर के सारे कार्य हम ही करते हैं। ठीक है, ताने माने की आवश्यकता नहीं है। एक कार्य करो, इसकी लंगोट बदल दो और इसे अच्छे नए वस्त्र पहनाकर अच्छी तरह से तैयार कर दो। ठीक है। परंतु क्यों? क्योंकि आज भास्कर के पिता भास्कर को दरबार लेकर जाएंगे। आज मैं अपने पुत्र और अपने दायित्व को एक साथ संभालूंगा। वाह बापूजी, अभी से अपने पुत्र से काम करवाना चाहते हो। वैसे दरबार में जाना मुझे बहुत पसंद आया था। शायद आज भी उस रूप की रानी चिन्ना देवी को देखने का अवसर मिल जाए। मेरे दर्शन की अभिलाषियों, मैं आ रहा हूँ। तो महाराज, हमारे विचार में ये निर्णय आपको ले लेना चाहिए। महाराज, महाराज गुरुवर का कथन सत्य है, हम इस पर विचार कर सकते हैं। प्रणाम जी, मैं रामेश्वर और ये मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरी माँ हैं। जिस प्रतापी को देखने के लिए प्रतिदिन सुबह हमारी आंखें खुलती थी, विश्वास नहीं हो रहा आज वो हमारे सामने है। आपकी महानता के किस्से सुन सुनकर ही हम बड़े हुए हैं, और देखिए ना, आपको देखने के बाद हमारी आंखें कुछ और देख ही नहीं पा रही। आपका व्यक्तित्व देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए हैं महाराज कृष्णदेव राय जी। रामेश्वर, आपने कुछ दिन पूर्व दरबार में उपस्थित होने की अनुमति मांगी थी, कहिए आप यहाँ किस प्रयोजन से आए? जी मंत्रीवर जी, हमारे परिवार में एक ऐसी समस्या आ गई है जिसका निवारण ही नहीं मिल रहा। 2 सप्ताह पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, और देहांत के बाद अकस्मात उनकी दूसरी बीवी ने आकर संपत्ति में से अपना हिस्सा मांगा है। वो चाहती हैं कि उनको संपत्ति में से आधा हिस्सा मिले। जब पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो तब भी उनकी सेवा करने कभी नहीं आई, और ना ही जीवन भर उन्होंने उनका साथ दिया। हम इस दरबार से बस ये न्याय चाहते हैं कि यदि हमें उन्हें हिस्सा देना पड़े तो हम उन्हें कितना हिस्सा दें और कैसे दें। महाराज, रामेश्वर की समस्या विचारणीय तो है, परंतु इस पर हमें विचार करना होगा। महाराज, आपके इस दरबार में आकर इसकी शालीनता और गरिमा को देखकर, यहाँ के अनुशासन और न्याय की परंपरा और प्रतिष्ठा को देखकर हमें विश्वास हो गया है कि हमें हमारी समस्या का समाधान और न्याय अवश्य मिलेगा। अवश्य मिलेगा। अरे राज दरबार में बच्चा कैसे? साथ में मैं भी तो हूँ गुरुवर। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। वो क्या है कि शारदा बाहर गई है और इसे संभालने की मेरी बारी थी, तो मैं अपनी नींद, अपना चैन, अपना सब कुछ दरबार लेकर आ गया। पंडित रामाकृष्णा, ये दरबार में सभा का समय है, जहाँ लोगों की भलाई के विषय में विचार विमर्श होता है, लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। अब वहां पर बच्चे खिलाए जाएंगे। महाराज गुरुवार,